जो बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर का नाम है वह है अधिगम कर्ता के रूप में विकास, यानी कि गौरवी का पैसे लर्नर। इस पेपर में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारे चैप्टर का नाम था किशोरावस्था, यानी कि हम अपने इस चैप्टर के अंतर्गत जो एडोलेसेंस है उसमें अध्ययन कर रहे थे, यानी कि किशोरावस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने अलग अलग वीडियो में अलग अलग पॉइंट पर या टॉपिक पर अध्ययन किया। सो गाइस, इस चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक है वह है किशोरावस्था की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं। हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे कि किशोरावस्था की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और उनकी आकांक्षाएं किस प्रकार की होती है। हम ये सब अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आवश्यकता वह सकती है जो व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि यह मान लीजिए अगर किसी बालक के किसी खिलौने को लेने की इच्छा कर रही है तो वह क्या करेगा, यानी कि उसके प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवहार करने शुरू कर देगा। जैसे कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनमें चोरी की आदत होती है, तो वह यह सोचते रहते हैं कि मेरा कब मौका मिलेगा और मैं कब उसको उठाऊंगा। बहुत से बालक मेले में बाजार में गए अपने मम्मी पापा के साथ, उनको बार बार हाथ लगाते रहते हैं कि मम्मी ये दिलाओ मम्मी ये दिलाओ। वह किस लिए करते हैं कि उनकी किसी चीज को लेने की आकांक्षा जागृत हो रही है, इसलिए वह अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब कहीं किसी रिश्तेदारी में या यार दोस्तों के यहाँ हम चले जाते हैं और हमारे साथ चले जाते हैं, तो वहां पर किसी खिलौने को देखकर या किसी खाने की वस्तु को देखकर बच्चे यानी कि अपने मम्मी पापा को बार बार परेशान करते रहते हैं या दंगा करने लगते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर उस चीज को लेने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। वह उस चीज को अपनी आकांक्षा के बल पर उसे प्राप्त करना चाहते हैं और वह अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वह विशेष प्रकार के व्यवहार करते हैं, कि अपनी मम्मी को बार बार परेशान करना, पापा को परेशान करना और उन वस्तुओं को लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। किशोरावस्था में किशोर और किशोरिया अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने व्यवहार का संचालन करती है, यानी कि जैसी जैसी उनकी आवश्यकताएं होती है वह उसी के आधार पर अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है, यानी कि अपना व्यवहार करती है। इनकी आवश्यकताओं को मुख्य रूप से हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि जो किशोरों की आवश्यकताएं होती है उन्हें हम तीन भागों में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर एक है शारीरिक आवश्यकताएं। कौन सी? नंबर एक शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत किशोरों की शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, निंदा या निद्रा, विश्राम, क्रिया और यौन संबंधी आवश्यकताएं आती है। कौन कौन सी? जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, निद्रा हो गई, विश्राम हो गया, किसी काम को करने की इच्छा हो गई या यौन संबंधित। इस प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है वह किशोर अवस्था में होती है, यानी कि किशोरों के अंदर अंतर्गत इस प्रकार की आवश्यकताएं होती है। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर भोजन ही नहीं प्राप्त होगा तो क्या कोई बालक या बालिका मानव जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए जीवित रहने के लिए इस चीज की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। शारीरिक सुरक्षा के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता है। किस चीज की? वस्त्र की, यानी कि जब उनके शरीर की सुरक्षा किससे होगी? वस्त्रों से होगी। अगर बिना वस्त्र के कोई सड़कों पर भागने लगा तो उनके शारीरिक जो सुरक्षा है वह नहीं होगी, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, सर्दी लग जाएगी। इसलिए शारीरिक सुरक्षा के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है,
यानी कि ये सब क्या है, जीवन की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। और थकान दूर करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, विश्राम की आवश्यकता होगी। जब मनुष्य किसी काम को लगातार कंटिन्यू करता रहता है तो उसको क्या होता है, थकान महसूस होने लगती है। मैं लगातार बोल रहा हूं तो मुझे भी थकान महसूस होने लगेगी थोड़ी देर में, तो उसके लिए थकान दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, विश्राम करूंगा। यानी कि थकान दूर करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। अब काम वासना की पूर्ति के लिए यौन संबंध आवश्यक, यानी कि जो यौन संबंध होती है उनकी आवश्यकता होती है। हम ये कह सकते हैं जब काम वासना आदमी में अंदर, यानी कि किशोरावस्था का ये गुण है कि उनके अंदर काम वासना की इच्छाएं जागृत होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए यौन संबंध स्थापित या संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, यानी कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अंतर्गत किशोरों की प्रेम स्वतंत्रता, सामाजिक भावना और सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। वह ये चाहते हैं कि हमें भी कोई दूसरा प्रेम करे। लड़का ये चाहता है कि हमें कोई लड़की प्रेम करे, लड़कियां ये चाहती है कि हमें कोई लड़का प्रेम करे। इसलिए वह अपने आप को हर समय संवारते, शहर के सजाते संवारते रहते हैं। उनकी सामाजिक आवश्यकता होती है, समाज में निष्ठा होती है, यानी कि वह यह चाहते हैं कि किशोरावस्था के अंदर आने के बाद कि समाज में उनका नाम हो। इसीलिए वह सामाजिक उत्तरदायित्व जितने भी होते हैं उनको बहुत ही निष्ठा के साथ पूरा करते हैं और पूरी लगन के साथ उन सब कार्यों को करते हैं। वे चाहते हैं कि माता पिता, भाई बहन, मित्र पड़ोसी, अध्यापक सभी से उनको प्रेम प्राप्त हो। ये नहीं कोई उनसे घृणा करे, ऐसा व्यवहार वे कभी नहीं चाहते। चाहे वह किशोर हो या किशोरिया हो, लड़के हो या लड़कियां हो, सभी यही चाहते हैं कि उनको माता पिता, उनके अध्यापक, उनके पास पड़ोस, उनके रिश्तेदार सभी उनको प्रेम से देखे या प्रेम करे। अपने कार्यों में उनकी संतरता प्राप्ति हो, यानी कि जो भी वह कार्य करे वह संतरता पूर्वक काम करे। ये नहीं कि आज कोई बच्चा किसी काम को करने लगा और उसको टोका टोकी करने से ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करना। कोई नहीं, थोड़ी देर में पापा आए, ये गलत बात है, आप ऐसा मत करो। नहीं, किशोरावस्था में आने के बाद बालक बालिका ये चाहती है कि उनके किए गए कार्य में या उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। वह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य करना चाहते हैं। हमारे नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत समाज में स्वयं को समायोजित करने और व्यवस्थित करने के लिए किशोरों की सामाजिक आवश्यकताएं होती है। यानी कि हमेशा किशोर या किशोरिया यह चाहती है कि वह अपने आप को जो समाज होता है उसके अंतर्गत पास पड़ोस में, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में समायोजन कर सके, यह उनकी आवश्यकता होती है। जैसे समाज के रीति रिवाज है, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं, उनके त्योहार हैं, उनके पर्व हैं, उन्हीं में समायोजित करना चाहते हैं।
सामाजिकता की दृष्टि से किशोर किशोरिया एक समूह में रहना पसंद करते हैं। वह यह चाहते हैं कि वह परमानेंट एक समूह के अंदर रहे, यानी कि उनके दोस्त बने और वह अपना अधिकतर समय समूह में ही व्यतीत करते हैं और यही चाहते हैं, उनकी यही आवश्यकता होती है कि उनका जो अधिकांश समय है वह समूह में ही व्यतीत करे, यानी कि अपने दोस्तों के साथ ही बीते। और विशेषकर उन समूह में जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान कर सके, यानी कि हमेशा किशोरावस्था में आने के बाद बालक बालिकाएं ऐसे समूह में की आवश्यकता करते हैं जिसमें कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उस समूह के द्वारा उनकी भी पूर्ति हो सके। इसीलिए किशोरावस्थाएं समूह में समायोजन की आवश्यकता रखते हैं, यानी कि उन्हें सामाजिक आवश्यकताएं भी होती है। किशोरों की आवश्यकताएं उनकी आकांक्षा की देन है, यानी कि जैसे जैसे उनकी आकांक्षाएं होंगी उसी प्रकार से उनकी आवश्यकताएं होंगी। अगर उनकी आकांक्षाएं कुछ रहेगी तो उनकी आवश्यकताओं की जो लाइन है वह भी लंबी रहेगी, कुछ रहेगी। आकांक्षा का स्तर जितना उच्च होगा उतना श्रेष्ठ हो, जितना श्रेष्ठ होगा आवश्यकताएं उन्हीं के अनुरूप बनती चली जाती है, यानी कि जैसी आकांक्षाएं ऐसी ही उनकी आवश्यकताएं होती चली जाती है। यदि आकांक्षाओं के अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो किशोरों में निराशा, हताश, असंतोष, कुंठा, चिंता और तनाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं अगर उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी आवश्यकताएं पूरी ना की जाए या उनकी आवश्यकताओं के बीच में कोई रुकावट पैदा करे तो वह बहुत ही निराश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, तनाव करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। बहुत से ऐसा होता है कि किसी बालकों ने अपनी आकांक्षाओं के इच्छा अनुसार किसी चीज की मांग की और उनके माता पिता ने उसे उनकी आकांक्षाएं की पूर्ति ना की, यानी कि अपनी आकांक्षाएं रखते हुए किसी बालक को यह मान लीजिए कि मोबाइल फोन की आवश्यकता है बट उसके माता पिता ने उनकी आवश्यकता की पूर्ति ना की तो वह क्या करेगा, अपने माता पिता पर गुस्सा हो जाएगा, उनसे घृणा करने लगेगा, उनके साथ लड़ेगा, उनके बुरा भला कहने लगेगा। इसीलिए आकांक्षाओं की पूर्ति ना होने पर किशोरों या किशोरियों में बहुत सारे गुण विकसित हो जाते हैं। अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी कि जब किशोर या किशोरिया को कुछ आकांक्षाएं होती है उनकी वह पूर्ति करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि किसी बालक को अच्छी जॉब चाहिए और वह उसे प्राप्त उसकी आकांक्षा है कि वह उस पोस्ट पर जाकर बैठे बट उस पोस्ट पर बैठने के लिए उसे बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके सामने बहुत सी कठिनाई आएगी। यदि कोई किशोर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करता है और मेहनत करने के साथ परीक्षा देता है और उसके परीक्षा के अंदर अच्छे अंक न प्राप्त हो तो उसका जो है यानी कि पढ़ाई से मन हट जाता है और वो पढ़ने से घृणा करने लगता है। इसीलिए आकांक्षाओं के अनुसार अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना की जाए तो बालकों के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और उनकी यानी कि जिस कार्य में वो कर रहा है उस कार्य में उसको उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिले तो वह उस कार्य को करने में रुचि लेना कम कर देता है। इसीलिए आकांक्षाएं यानी कि आवश्यकता की जन यानी कि जो आकांक्षाएं होती है जितनी अधिक आकांक्षाएं होगी उतनी ही अधिक बालक या बालिका की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएगी और उन्हीं के अनुरूप उनको फल मिलना चाहिए। अगर उनके अनुरूप उनको फल नहीं प्राप्त होता है तो वह उस काम को करने में अरुचि दिखाने लगते हैं और उनका मन उस काम को करने में नहीं लगता है। सो गाइस हमारा यह टॉपिक यहीं तक ही था, हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।